गुड मॉर्निंग गाइज़ वेलकम टू टारगेट जे के एग्जाम्स माई नेम इज़ महक तारिक एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्लास फॉर द सिलेबस ऑफ सुपरवाइजर ठीक है तो अभी तक तो हमने देखा था कि यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट किया था और यूनिट थर्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमने कम्प्लीट कर दिया है ह्यूमन uh, राइट्स uh, हो गया था डिक्लेरेशन भी हो गया है थर्ड सब यूनिट भी हो गया है वुमेन राइट्स का मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया था और चाइल्ड राइट्स पे दो लेक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं ठीक है तो उसके बाद अब बचता है हमारा सोशल इवेंट्स ठीक है देखिए जो बाकी के लेक्चर्स हैं जो पहले हो चुके हैं आप जो है टारगेट जे के एग्जाम का जो ये चैनल है इसी पे क्लिक करके आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको सुपरवाइज़र का फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा ठीक है हमारे जो स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन है क्लासेस की वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं उसके अलावा जो एन टी का एग्ज़ाम है या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है या उसके अलावा जो एस एस पी के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको उनका कम्प्लीट पैकेज मिल जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड से अगेन uh, मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि सुपरवाइजर uh, का जो पेपर है इसमें वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसी टॉपिक पे करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे ठीक है इसलिए मैंने इन टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में लेक्चर्स आपको uh, करवाए हैं आप आज का लेक्चर देखने से पहले आप एक बार चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स का लेक्चर देख लीजिएगा ठीक है तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशल इवल्स का है सोशल इवल्स यानी सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं ठीक है थीके? कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के साथ रिलेटेड हैं जो वुमेन के साथ रिलेटेड हैं तो हमें उन सोशल इवल्स के बारे में पढ़ना है मैं कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए अगर एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको दो लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले तो चाइल्ड अब्यूज़ है चाइल्ड लेबर है ठीक है ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है ये बच्चों के साथ रिलेटेड है चिल्ड्रन प्रॉब्लम है ये ठीक है तो चिल्ड्रन बच्चों का ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार चाइल्ड राइट्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रोविजन ऐसे आएंगे जो मैं चाइल्ड राइट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ठीक है उसके बाद आता है फीमेल फ्यूटिसाइड इन्फेंटिसाइड ठीक है ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये वुमेन रिलेटेड हैं चाइल्ड गर्ल चाइल्ड रिलेटेड है तो यहाँ पे भी आपको एक बार वुमेन राइट्स को देख लेना है वुमेन राइट्स अगर आपके अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है एंड लास्ट पे हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन का ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं देखिए ये जो चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक है और ये जितने भी आज के टॉपिक्स टॉपिक्स हैं इसमें कुछ फैक्चुअल ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको थ्रेटिकल uh, थोड़ा सा ज़्यादा है कुछ ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा सा जो ये टर्म्स हैं ना इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको समझ लेना है और इनके रिलेटेड आपको कुछ थ्ररेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है थीके? लेकिन हम फैक्ट्स भी कवर कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस ना चला जाए ठीक है चलिए देखिए चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है चाइल्ड uh, अब्यूज़ का मतलब क्या है देखिए मैं आप डेफिनेशन से ही स्टार्ट करती हूँ ये कह रहा है कि जैसे फिजिकल सेक्सुअल साइकोलॉजिकल मालट्रीटमेंट ठीक है और नेगलेक्ट ऑफ चाइल्ड जो है इसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं ठीक है ठीके? तो फिजिकल ठीक है फिजिकल सेक्शुअल या साइकोलॉजिकल ठीक है फिजिकल सेक्शुअल या साइकोलॉजिकल देखिए इसमें कहता है कि आम तौर पर अब्यूज़ का मतलब क्या होता है अब्यूज़ होता है किसी को आ, मतलब आ, तंग करना या ऐसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं किसी को गाली दे देना या किसी को मेंटली परेशान करना इसको हम ओवरऑल अब्यूज़ कहते हैं लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब क्या है चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब है कि अगर आप किसी बच्चे को फिज़िकली अब्यूज़ कर रहे हैं ठीक है या किसी को सेक्शुअली अब्यूज़ कर रहे हैं या मेंटली कर रहे हैं ठीक है आम तौर पर हम देखते हैं कि अगर बच्चे को कोई मार पीट रहा है तो हमें लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल है नहीं चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल नहीं होता चाइल्ड अब्यूज़ सेक्शुअल भी होता है चाइल्ड अब्यूज़ मेंटल या साइकोलॉजिकल भी होता है ठीक है तो चाइल्ड अब्यूज़ को हम माल ट्रीटमेंट भी कहते हैं बेसिकली माल ट्रीटमेंट जो है माल ट्रीटमेंट का मतलब है कि अच्छे से ट्रीट ना करना तो माल ट्रीटमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर चाइल्ड uh, अब्यूज़ भी आ जाता है ठीक है चाइल्ड नेगलेक्ट भी आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से ये जो आपस में जो ये वर्ड्स हैं इनको हम uh, uh, कभी कभी इंटरचेंज करके भी पढ़ते हैं लेकिन आपको इतना याद रखना है कि चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे को फिज़िकली अब्यूज़ करना या फिर सेक्शुअली अब्यूज़ करना या फिर इमोशनली अब्यूज़ करना ठीक है तो घर के अंदर करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें या किसी स्कूल करें किसी भी तरह से किसी कम्युनिटी में करें तो लेकिन इन सबको हम चाइल्ड अब्यूज कहते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ठीक है देखिए यहां पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है ठीक है तो डब्ल्यू एच ओ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डब्ल्यू एच ओ के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि अगेन इट इज एन एजेंसी ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ आपको ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपने कोविड के अंदर डब्ल्यू एच ओ का नाम बहुत सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है यू एन के अंदर काम करता है और जितनी भी हेल्थ एमरजेंसीज होती हैं हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर चाहे वो बच्चों को हों एडल्ट्स को हो, किसी पर्टिकुलर कम्यूनिटी को हों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके सर्वे करता है रिपोर्ट्स बनाता है फंडिंग करता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक एजेंसी है यू के अंदर जो ये काम करती है ठीक है आप कोई थोड़ा सा नाइनटीन में बना था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनीवा में है स्विट्जरलैंड में ठीक है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है ठीक है हमारे लिए ये डेफिनेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में क्या कहता है आपको ये डेफिनेशन जो है ये टिप्स पे होनी चाहिए देखिए ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ फ़िज़िकल इमोशनल इल ट्रीटमेंट सेक्शुअल नेगलेक्ट और कमर्शल और अदर एक्सप्लेटेशन ठीक है अब इसका मतलब क्या है कहते हैं अगर आप किसी बच्चे को फिज़िकली अब्यूज़ कर रहे हैं या आप इमोशनली कर रहे हैं फिज़िकली यानी आप उसको मार पीट रहे हैं ठीक है छड़ी से मार दिया हाथ से मार दिया बहुत ज़्यादा मार दिया ठीक है घर के अंदर स्कूल के अंदर या फिर इमोशनल इल ट्रीटमेंट अब जैसे मैं इसकी छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको क्लास के अंदर अगर किसी स्कूल के अंदर अक्सर ऐसा होता है किसी बच्चे को अगर कम आता है दूसरे बच्चे को ज्यादा आता है तो जो बेचारा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है या कभी होमवर्क नहीं किया होता तो टीचर्स क्या करते हैं ठीक है डांट लगाना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन कभी कभी उसको पूरी क्लास के सामने खड़ा करके इंसल्ट की जाती है ठीक है और अगर ये डेली बेसिस पे होने लग जाए तो बच्चा इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा अब्यूज जो का शिकार हो जाता है ठीक है वो स्कूल से डरने लगता है वो क्लासरूम से डरने लगता है तो कहीं ना कहीं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इल ट्रीटमेंट ठीक है इसमें एक और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देती हूँ घर के अंदर जो गर्ल चाइल्ड होता है गर्ल चाइल्ड यानी छोटी बच्ची है अगर उसका कोई भाई है साथ में एक बच्चा है एक बच्ची है तो घर में अगर आप ज़्यादा जो है जो लड़का है उसको प्रेफरेंस देंगे आप उसके लिए खिलौने लाएंगे आप उसके लिए खाने के लिए अच्छी चीज़ लाएंगे जो गर्ल चाइल्ड है वो थोड़ा सा इमोशनली वीक फील करेगी ठीक है तो ये इमोशनल इल ट्रीटमेंट सेक्शुअल अब्यूज़ सेक्शुअल अब्यूज़ को भी इसमें डाला गया सेक्शुअल अब्यूज़ का मतलब है कि कई बार आप बच्चे को जो है आप अच्छे से कोई टच नहीं कर रहा है वेदर इट इज़ इन स्कूल और एट होम बच्चे को जो है एक एक कन्सेप्ट होता है गुड टच का और एक कन्सेप्ट होता है बैड टच का ठीक है ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों को जो है आप स्कूल में खैर बहुत अवेयरनेस है आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर मतलब

तक शिकार रहे हैं चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज कहा जाता है ठीक है उसके बाद नेगलेक्ट नेगलेक्ट सेम एग्जाम्पल है कि घर के अंदर अगर uh, आप अपनी गर्ल चाइल्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, आप बेटे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्कूल के अंदर अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों पर ज़्यादा फोकस होता है जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं उन पर कम फोकस होता है ठीक है कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन को आ, जो है रिजल्टिंग इन अब ये जो सारा का सारा इल ट्रीटमेंट होता है इससे बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो हार्म हो जाता है एक्चुअल पोटेंशियल यानी जो बच्चा जो काम कर सकता था जितनी उसकी क्षमता थी वो कम हो जाती है उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है उसके सर्वाइवल पर फ़र्क पड़ता है और उसकी डिवेलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है ठीक है और उसकी डिग्निटी डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फ़र्क पड़ता है तो इस पूरे को हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं ठीक है यानी डब्ल्यू ने बहुत सब चीज़ों को कम्बाइन कर के चाइल्ड अब्यूज़ की डेफिनेशन दे दी ठीक है होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज ठीक है इसमें आप आगे हम टाइप्स देखते हैं आप सबको टाइप्स पता है पहला तो फिज़िकल अब्यूज़ है फिजिकल अब्यूज़ यानी अगर आप बच्चे को हद से ज़्यादा अगर उसने गलती की है थो, थोड़ा सा मारना वो अब्यूज़ में नहीं आता लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं यानी इसके अंदर बीटिंग आती है ठीक है उसको मारा जा रहा है या बर बर्निंग आती है कभी कभी तो हमने ही केसेस भी देखें कि बच्चों को जलाया जाता है जैसे सिगरेट लगा दिया या कोई चीज़ गर्म करके लगा दी ठीक है डराने के लिए लगा दी तो ये फिज़िकल अब्यूज़ है ठीक है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है ठीक है बाइटिंग आती है ठीक है ठीक है बाइट कर दिया बच्चों को तो ये सारा का सारा फिज़िकल अब्यूज़ है ठीक है तो उसी तरह से Uh, जो ये फिज़िकल uh, अब्यूज़ है या देखो इसमें फिजिकल पनिशमेंट जो है ना दैट इज़ डिफरेंट थिंग फिजिकल पनिशमेंट करना यानी किसी बच्चे को आप थोड़ा सा स्टिक एक uh, थोड़ा सा हाथ पे मार रहे हैं वो फिजिकल पनिशमेंट ऑफ जो बच्चों का होता है वो एक अलग चीज़ होती है लेकिन बच्चे को अब्यूज़ करना एक अलग चीज़ है ठीक है तो आगे हम देखते हैं सेक्शुअल uh, अब्यूज़ तो आपको पता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेक्शुअल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ का मतलब ये है कि बच्चे को कोई घर का बड़ा या फिर कोई एडोलसेंस या कुछ किसी भी तरह से सेक्शुअल uh, स्ट्यूमिले के लिए यूज करता है तो वो जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है ठीक है यानी पोर्नोग्राफी इसके अंदर आता है जितनी भी जो बच्चों की सेक्सुअल लाइफ के साथ रिलेटेड होती हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है ठीक है फिर आते हैं जी इमोशनल अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ये मैं आपको बता चुकी हूँ घर में अगर कोई आ, आप अच्छे से इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी बच्चे के साथ ठीक है इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वो उसके इमोशनल अब्यूज़ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा या कई बार पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं बच्चों को एजुकेशन का अर्ली एज में ही स्ट्रेस डाल देते हैं बाहर नहीं जाना खेलना नहीं है घर के रोक देते हैं तो ये इमोशनल अब्यूज का कारण बन जाता है ठीक है उसके बाद नेगलेक्ट तो है ही मैं नेगलेक्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नेगलेक्ट हो गया कि पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स या कम्युनिटी में लोग जो हैं वो बच्चे पे इतना ध्यान नहीं देते ठीक है उसको मतलब ने उसके इमोशन्स को नेगलेक्ट किया जाता है उस पर उसका जो है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स का एक फेलियर है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभा नहीं पाते जिससे बच्चों के जो है हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ते हुए हमें दिखाई देता है ठीक है अब हमने ये तो पढ़ लिया कॉजेज़ इसका क्या हो सकता है अब हम पढ़ते हैं कि इसका इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं देखिए इमोशनल इफेक्ट तो होगा ही अगर बच्चा जो है उसको घर में इतना ध्यान नहीं मिलता स्कूल में इतना ध्यान नहीं मिलता तो वो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं ठीक है वो बदतमीजी करने लग जाते हैं और इवन कि जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो भी इमोशनल उनके अंदर वो चीज़ दिखती है वो कभी भी अपने पेरेंट्स को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते ठीक है तो वो इमोशनल इफेक्ट जो है हमें बच्चों में लाइफ लॉन्ग दिखता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी आप बड़े हैं इफ़ यू आर अडल्ट ठीक है अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है आप

जो चीज़ घुसा दी जाती है वो लाइफ टाइम नहीं जाती तो इमोशनल इफेक्ट इसके बहुत लॉन्ग होते हैं फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं ठीक है अगर बच्चे को शेक किया जाता है जैसे हम देखते हैं कि शेकन बेबी सिंड्रोम कई बार हम बच्चों को उठा उठा के ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं उससे बच्चे का परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है दिमाग ही खत्म हो जाता है ठीक है ब्रेन का डेवेलपमेंट सही से, से नहीं होता पुअर फिजिकल हेल्थ रहती है जिन बच्चों को ज़्यादा मार मार पीट रहे हैं किसी की हड्डी टूट गई किसी का कुछ टूट गया तो फिजिकल हेल्थ पर उसका असर देखने को मिलता है ठीक है उसके अलावा जो है एलर्जीज़ की शिकायत रहती है अर्थराइटिस अस्थमा अडल्ट में देखिए अर्थराइटिस अस्थमा या एलर्जी या जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये जो हैं ये बेसिकली जो बच्चा अब्यूज से गुजरता है उसका फ़िज़िकली uh, हेल्थ बहुत कमज़ोर होती है ठीक है मेंटली uh, वो बेचारा बहुत कमज़ोर होता है उसको फिज़िकल हेल्थ का इशू होता है तो उस पर कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी असर कर जाती है फेयर ऑफ पेरेंट्स बच्चे को फेयर बहुत ज़्यादा होगा पेरेंट्स का या टीचर्स का भी इन दैट केस तो उससे उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो रहेगा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है ठीक है लर्निंग प्रॉब्लम्स आप कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि उनको ना याद ही नहीं होता है मेमोरी इश्यूज शुरू हो जाते हैं बच्चों में ठीक है मेमोरी इतनी कम हो जाती है कहीं ना कहीं वो डर की वजह से होता है उनको इतना डराया जाता है कि उनका दिमाग जो है वो याद ही नहीं कर पाते चीज़ों को ठीक है एब नॉर्मल बिहेवियर जो कि मैंने आपको कहा कि बच्चे चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है और स्लीप इन क्लास ठीक है कई बार मतलब स्लीप इन क्लास तो ऐसे अगर कोई बच्चा थक कर सो रहा है तो वह नॉर्मल है लेकिन अगर कई बार बहुत बहुत ज़्यादा अब्यूज़ जो घर में होती है या फिर स्कूल के अंदर भी अगर वो इग्नॉर्ड फील कर रहा है तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा स्कूल में अगर टीचर जो है टीचर का जो है एक ड्यूटी होती है एक फ़र्ज़ होता है कि वो क्लास में अगर तीस बच्चे हैं तो वो तीस को इक्वल ट्रीटमेंट दे अगर वो किसी एक बच्चे को ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगा अगर वो किसी दूसरे बच्चे को कम ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देगा उसको इग्नोर करेगा तो वो बच्चा जो है क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा ठीक है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं इन बच्चों में ठीक है चलिए तो इस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ का ये आपका टॉपिक जो है ये आ, मैंने आपको समझा दिया है चाइल्ड अब्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें डिफरेंट तरह के चाइल्ड अब्यूज़ क्या हैं ये पूछ सकते हैं उसके बाद मैंने आपको डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन करवा दी है और कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स तो आपको आते हैं तो ये एक सिंपल टॉपिक था ठीक है आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर का ठीक है चाइल्ड लेबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए चाइल्ड लेबर का जो टॉपिक है अगेन मैं आपसे कहूँगी कि इसको पढ़ने से पहले आप चाइल्ड राइट्स जो मेरा लेक्चर है लास्ट लेक्चर है दो लेक्चर्स मैंने चाइल्ड राइट्स पे बनाए हैं आप जाइए और पहले इससे देखिए क्योंकि चाइल्ड राइट्स जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर लेबर लेबर को मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी जो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हो मैं तो आप जाके चाइल्ड राइट्स का लेक्चर देख सकते हैं ठीक है चलिए चाइल्ड लेबर क्या होता है चाइल्ड लेबर होता है बच्चों से ना काम काज करवाना ठीक है अब आपसे सवाल आएगा दिमाग में कि घर के अंदर जो हम बच्चों को काम करवाते हैं ना घर में घर के अंदर आपने किसी बच्चे को बोला जी प्लेट उठा दो क्या वो भी चाइल्ड लेबर है या आपने अपने बच्चे को बोला कि बाहर से कोई चीज़ लेके आओ क्या वो भी चाइल्ड लेबर है तो अब हम चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि चाइल्ड लेबर क्या है और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन का क्या कहना है चाइल्ड लेबर पर ठीक है देखिए चाइल्ड लेबर घर के अंदर किसी बच्चे को बोलना कि को प्लेट उठा दो या किसी बच्चे को बोलना कि बाहर से कोई सामान लेके आओ या अपने बच्चे को बोलना कि मेरी हेल्प करवा दो किचन में ये चाइल्ड लेबर नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि चाइल्ड लेबर एक डेफिनेशन है जो हमें दी गई है ठीक है इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है कि जॉब्स ऑक्यूपेशन को सिंपल में बोले वो जॉब्स या वो काम विच है छीन लेना डिवेलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है ऐसी जॉब्स जो बच्चों को करवाई जाती है जिससे उनकी डिवेलपमेंट ही रुक जाए ठीक है डेवलपमेंट का मतलब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट भी है यहाँ मेंटल डेवलपमेंट भी है और यहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट भी है ठीक है यानी अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि तुम बाहर जा के कोई चीज लेके आओ मेरी किचन में हेल्प करवा दो वहाँ पे तो बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर नहीं हो रही है ना बल्कि डिवेलपमेंट और अच्छी हो रही है वो किचन में जा रहा है वो काम कर रहा है वो आपके साथ हाथ बटा रहा है वहाँ पर डिवेलपमेंट अच्छी हो रही है लेकिन अगर आपने किसी बच्चे को किसी टी स्टॉल पे रख दिया वो दिन के सात से आठ घंटे एक आठ नौ साल का बच्चा वहाँ बिता रहा है वो वहाँ काम कर रहा है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी ठीक है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा मेंटल हेल्थ तो होगी होगी क्योंकि वहाँ पर उसको हर तरह की गालियाँ खाने को मिलती हैं वो उस तरह का बिहेवियर अडल्ट बिहेवियर पर बहुत जल्दी एडजस्ट करना शुरू कर देता है एजुकेशन भी होगी क्योंकि ऐसा बच्चा जो सात से आठ घंटे किसी दुकान पर काम कर रहा है या फिर किसी टी स्टॉल पे हम देखते हैं बच्चे अक्सर काम कर रहे होते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी इसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर ओके गॉट इट ठीक है इसी तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ क्या है आई एल ओ है देखिए आई एल ओ क्या है आई एल ओ है इसके बारे में बताती हूँ इंटरनेशनल लेबर ठीक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी सेम यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और मेरे ख्याल से ये 1914 में बनी थी यानी यूएनओ से पहले बनी थी यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था तो 1914 में ये लीग ऑफ नेशन के आ, अंडर बनाई गई थी तो इंटरनेशनल लेबर अब नाम से ही आप देख लीजिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जितनी भी वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन लेबर यानी काम करना इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में ये सब जो है ये उनका ख्याल रखता है के लिए लॉज बनाता है सर्विस करता है तो आई एल ओ जो है ये लेबर आ, के कामों के साथ एसोसिएटेड है और ये यू एन की ही एक एजेंसी है ठीक है अब देखिए आई एल ओ के द्वारा कहा गया कि दो सौ पंद्रह मिलियन बच्चे जो ग्लोबली हैं वो लेबर में हैं चाइल्ड लेबर करते हैं दो सौ पंद्रह मिलियन ग्लोबली ठीक है अब देखिए इसमें डेफिनेशन में ये आता है कि कोई भी बच्चा एक पर्सन बिलो 14 इयर्स, ठीक है 14 इयर्स जो है हमने हमें पता है कि चौदह साल से जो नीचे जो लोग हैं उन्हें चिल्ड चाइल्ड कहा गया और अगर वो काम कर रहे हैं फॉर दूसरी कंडीशन क्या है मोस्ट पार्ट ऑफ द डे ठीक है एक तो चौदह साल ठीक है बच्चा अगर चौदह चौदह या चौदह साल से नीचे है मोस्ट पार्ट ऑफ द डे यानी आठ से दस घंटे आठ पाँच घंटे छः घंटे काम कर रहा है तो ये चाइल्ड लेबर में आएगा ठीक है होप यू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड लेबर क्या क्या अगर आपके सामने कोई बच्चा स्कूल में काम कर रहा है घर में झाड़ू लगा रहा है या बाहर से कोई चीज़ ला रहा है वो चाइल्ड लेबर नहीं है चाइल्ड लेबर की कुछ कंडीशन हैं कंडीशन सबसे पहली कंडीशन जो है हमने पढ़ी है पहली कंडीशन तो ये है कि अगर उसकी डिवेलपमेंट पर फ़र्क पड़ रहा है ठीक है अगर बच्चे की मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल डिवेलपमेंट पर फ़र्क पड़ रहा है तो वो चाइल्ड लेबर होगा दूसरा के आवर्स कितने हैं यानी अगर वो मोस्ट ऑफ द डे यानी बारह बारह घंटे दिन के होते हैं उनमें से छः सात आठ घंटे वो काम कर रहा है और पे डिपेंड करता है तो वो फिर चाइल्ड लेबर है और तीसरा यानी चौदह साल का बच्चा या से नीचे साल का जो बच्चा है वो अगर काम कर रहा है घंटों के हिसाब से किसी जगह पर तो वो चाइल्ड लेबर है ठीक है ये हो गया आपका अभी देखिए हम एक बार कॉजेस में नजर लगा देते हैं कि कॉजे क्या क्या हो सकते हैं देखिए पहला कॉज तो है पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी होती है बहुत ज्यादा गरीबी है इंडिया के अंदर या ओवरऑल कुछ कंट्रीज में गरीबी है जहाँ पे एनुअल इनकम किसी फैमिली की बहुत कम है वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते तो इसलिए वो बच्चों को जो है काम करने के लिए जल्दी छोटी एज में काम करने के लिए छोड़ देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है ठीक है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियाँ है ही नहीं है तो बच्चों को वो सोचते हैं कि पढ़ा लिखा के करना क्या है तो इससे अच्छा वो छोटी ही जो छोटी एज में उनसे काम करवाने लगते हैं एजुकेशन मिसिंग है ठीक है एजुकेशन इतनी अफोर्डेबल नहीं है अगर है भी तो मतलब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इतना हाल कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ठीक है गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे नहीं होते तो आ, होते तो हैं गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ए लॉट ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया और जे एंड के बट प्रॉब्लम यह है कि एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं है खैर अब तो बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है अटेंडेंस ऑफ टीचर्स जो है अब बढ़ गया है जे एंड के, के अंदर खासकर लेकिन एक टाइम तक एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बहुत बुरी हालत थी जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम था तो जो गरीब लोग हैं इन्हें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाना है तो वहाँ पर नेचुरली इतना ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वॉर्मेंट नहीं होता तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि इससे अच्छा तुम बाहर जाके काम ही कर लो チキン。 इलिटरेट पेरेंट्स या इग्न इग्नॉरेंट पेरेंट्स होंगे ठीक है उसके बाद लार्ज फैमिलीज़ एक प्रॉब्लम है फैमिलज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं अगर फैमिली बड़ी होगी तो नेचुरल सी बात है इनकम कम होती है अगर इनकम कम होती है तो अपने बच्चों को काम करने के लिए वो छोड़ देते हैं फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ये तो मुझे एक्सप्लन करने की ज़रूरत नहीं आप है आप खुद जानते हैं एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है हमारे इंडिया के अंदर तो एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है तो इसलिए जो है ये बच्चे जो हैं वो गरीबी की वजह से पोवर्टी जो है उनको पुश कर देती है चाइल्ड लेबर करने को ठीक है, बच्चे का जो है बचपन वो पूरा खत्म कर दिया जाता है ठीक है अब ग्लोबलाइजेशन एक इशू है ठीक है इसमें आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखिए ये यहाँ पे ये यह पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको वहाँ आ जाता है कि वट आर द काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप इसको देख के थोड़ा सा चौकन्ने हो जाएंगे कि यार ये किस तरीके से है ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन चाइल्ड लेबर को बढ़ावा कैसे देखता है देता है देखिए ग्लोबलाइजेशन में आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ट्रेड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाना या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने यानी किसी कं कंट्र, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई है तो ग्लोबलाइजेशन से ये सब हो रहा है ठीक है इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं या ये सब हो रहा है अब जब ये सब हो रहा है ना तो ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबलाइजेशन तो अच्छी चीज़ थी लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि लोग जो हैं वो रूरल एरिया में थे ठीक है गांव में थे अब वो अर्बन एरिया में आने लगे यानी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनको काम रूरल में नहीं मिलता था तो इंडस्ट्री सेटअप वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में तो माइग्रेशन बढ़ गई जब माइग्रेशन बढ़ गई ना तो रिसोस कम हो गए ठीक है अर्बनाइजेशन हो गई माइग्रेशन हो गई तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी क्योंकि देखिए अगर कोई इंडस्ट्री है ठीक है इंडस्ट्री में क्या होगा छोटे मोटे काम ईंटें उठाने के लिए जो है वो क्या करेंगे बच्चों को लगा देंगे ठीक है इंडस्ट्री क्योंकि बच्चे एक तो पैसे भी उनसे कम लेंगे और बच्चे जो है वो काम भी अच्छा करेंगे छोट छोटी छोटी ईंटें उठा के अंदर रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपने आप में बुरा नहीं था लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा ट्रेड इंडस्ट्री इकॉनमी डिवेलप होने लगी तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो आ, लेबर की डिमांड बढ़ गई और जब लेबर की डिमांड बढ़ती है तो बच्चों की डिमांड भी बढ़ गई चाइल्ड लेबर की क्योंकि चाइल्ड लेबर क्या है वो सस्ता होता है चीप होता है बच्चे इतने पैसे नहीं लेते ठीक है तो यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन का ये देखते ठीक है उसके अलावा मैं आपके सामने एक सेंसस है 2011 का उसमें बताया गया कि 10 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस वक्त चाइल्ड लेबर का शिकार हैं ठीक है होप यू अंडरस्टैंड अभी तक यहाँ तक तो चलिए देखिए उसके बाद लीगल प्रोविजन देखते हैं अब ये तो आ गया प्रॉब्लम आ गया कॉजेज आ गया इफेक्ट्स देखा अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए आखिर किया क्या ठीक है गवर्नमेंट ने आखिर किया क्या तो अगेन मैं आपको कहूँगी कि आ, लीगल प्रोविजन जो है मैं यहाँ पे सारे एक्सप्लेन नहीं करूँगी एक बार जाके आप चाइल्ड राइट्स देख लेना ठीक है लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर के साथ जो प्रोविजन है मैं उनको डिस्कस करती हूँ आपके साथ ठीक है देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट चाइल्ड लेबर ठीक है प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन करना यानी प्रोहिबिट uh, करना होता है रोकना या फिर किसी चीज़ को uh, मतलब रजिस्ट uh, करना प्रोहिबिट prohibit करना प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करना यानी रोकना और रेगुलेट करने का जो एक्ट है वो 1986 में पहली बार आया ठीक है अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अगर आप पूछेंगे तो इसमें डेट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि अगर पूछा गया कि चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जो एक्ट है वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कब लाया गया नाइनटीन में और दो में हमने इसका अमेंडमेंट किया आपके लिए दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं नाइनटीन ठीक है और 2016 ओके okay, चलिए देखते हैं 1986 में कहा गया कि चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर बैन है ठीक है चाइल्ड लेबर आप नहीं करा करा सकते चाइल्ड लेबर यानी जो चौदह साल का बच्चा है चौदह साल का चौदह साल से जो नीचे बच्चा है वो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऐसे काम में जो हजारडियस फैक्ट्रीज़ हैं हजारडियस फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जैसे पटाखों की फैक्ट्री या फिर जहाँ पे केमिकल ज़्यादा हैं जो बच्चों के लिए सेहतमंद नहीं है वहाँ पर चौदह साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा ठीक है नाइनटीन में ये कहा गया फिर दो में ठीक है दो में गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बैन इन ऑल ऑक्योपेशन ठीक है अगेन यहाँ पे याद रखना है कि अब दो हजार में गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक है थीके? सिर्फ अम, जो है वो सिर्फ़ फैक्ट हजार फैक्ट्रीज़ में नहीं बल्कि सारी ऑक्यूपेशंस में चाइल्ड लेबर यानी चौदह साल से चौदह साल का या चौदह साल से नीचे का बच्चे को आप काम पे नहीं रखेंगे यानी अगर आप चाय के स्टॉल पे भी बच्चा रख रहे हैं तो वहाँ पे आप अब नहीं रखेंगे ये 2016 में कहा गया लेकिन साथ में क्लास डाला गया एक्सेप्ट इन फैमिली एक्सेप्ट इन फैमिली यानी अगर कोई बच्चा फैमिली में काम कर रहा है अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा है तो वहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया लेकिन बाकी जितनी भी है वहाँ चौदह

में हम आजाद हुए थे तो उसी वक्त जो है चाइल्ड लेबर का एक एक्ट लेके आते कि चौदह से अठारह यानी अठारह साल तक जो बच्चे हैं उनको किसी भी जगह काम नहीं कराना है ना हजार फैक्ट्रीज में काम कराना है ना घर के अंदर डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है वहां पर भी काम नहीं कराना है कहीं भी काम नहीं कराना उनको पढ़ने दो गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा कर सकती थी लेकिन देखिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट को और लैजिस्चर्स को पता होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत गरीब है ठीक है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम स्लो स्टेप्स लेते हैं हम धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं धीरे धीरे स्टेप लेने से क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है ठीक है इसी तरह से पहले गवर्नमेंट ने नाइनटीन में एक्ट लाया जिसमें कहा गया कि चौदह साल के जो बच्चे हैं वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे जो उनके लिए ख़तरनाक बाद में 2016 में गवर्नमेंट ने कहा कि सारे ऑक्युपेशन में बच्चे काम नहीं करेंगे लेकिन अभी थोड़ा फैमिली वगैरह में काम कर सकते हैं लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़ैमिलीज़ में अगर जो डोमेस्टिक फ़ैमिलीज़ में बच्चे हमारे यहाँ हम देखते हैं ना घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर काम करते हैं लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों का फंडामेंटल राइट है उन बच्चों का कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए ठीक है तो अगर जो बच्चा घर में भी आप रख रहे हैं अगर वो प्रॉपर स्कूल नहीं जा रहा है तो ये आपको इस पर जो है आपको जवाब देना पड़ सकता है आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप बच्चों को डोमेस्टिक वर्कर्स रख ही रहे हैं या फिर बच्चा अपनी फैमिली में काम कर रहा है अगर उसका एजुकेशन हैम्पर हो रहा है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है ठीक है यानी अगर आपके घरों में बच्चे काम करते भी हैं तो आप उन्हें स्कूल भेजें ठीक है आप उन्हें स्कूल भेजें आ, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो उसके अलावा अगर वो किसी छोटे मोटे काम में हाथ चौदह साल का बच्चा है उससे नीचे का बच्चा अगर वो हाथ बटाना चाह रहा है तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ओके तो 1986 का एक्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है ये मेन एक्ट है जो चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है उसके बाद जोवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है दो में आया था दो में इसका अमेंडमेंट uh, आया था ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये नाइनटीन में आया नाइनटीन में बोला गया कि फैक्ट्रीज के अंदर जो है बच्चों को नहीं रखा जाएगा ये फैक्ट्रीज एक्ट आया था फिर बैन ऑन चाइल्ड लेबर जो है वो दो से पूरी तरह से शुरू हो गया ठीक है uh, मतलब अवेयरनेस uh, फैलना शुरू होगी उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल पॉलिसी ठीक है हमने 1986 के अंदर एक्ट तो लाया फिर 1987 में हमने नेशनल पॉलिसी लाई बच्चों के ऊपर हमने पॉलिसी गवर्न

1987 में नेशनल पॉलिसी आई थी ठीक है उसके अलावा आप देख लीजिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो बारह जून को बनाया जाता है ठीक है हाईलाइट कर दीजिए इसे लिख लीजिए बारह जून को बनाया जाता है और थीम क्या थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर थीम थी देखिए मैं इस यूनिट के एंड पे जो है मैं आपके ये सारे जो डेज़ हैं ना इनको मैं एक जगह ला के इस पर थीम्स आपको करवा दूंगी आपको भूल जा ऐसे भूल जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे भी आप साथ साथ मेंशन कर दीजिए कि वर्ल्ड डे जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कब आया था बारह जून को आया था ठीक है अगेन चलिए देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं चाइल्ड राइट्स में ये एक फंडामेंटल राइट है एक बच्चे का हक है उसमें बोला गया है कि कोई भी बच्चा जो चौदह साल से नीचे का है ठीक है चौदह साल का बच्चा है या उससे नीचे का है उसको एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में या फिर हजार हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी किसी माइन में वो काम नहीं करेगा माइन में बहुत खतरा होता है कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में खतरा होता है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा ये हमारा फंडामेंटल राइट right है उसी तरह से राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 ए में दिया गया ठीक है उसके बाद नेशनल कमीशन जो है वो बच्चों की बनाएगी 2005 में फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन तो ये सारे जो हैं ये आप देख सकते हैं मैं अगेन लास्ट लेक्चर देख लीजिए चाइल्ड राइट्स का मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है नेशनल कमीशन बनती है बच्चों के हक के लिए 2005 में राइट टू तो एजुकेशन दिया गया कि आर्टिकल 21 के द्वारा उसके बाद आ, आ, आर्टिकल 24 में आ, आ, मेंशन किया गया कि कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल से नीचे का वो किसी भी फैक्ट्री में माइन में या एस आर डी ओज में नहीं करेगा ओके गॉट इट होप यू अंडरस्टैंड इट ठीक है उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हम देखेंगे uh, मैं मैंने आपको बताया कि एन जी ओज़ के द्वारा बहुत काम किया गया है एन जी ओज़ होती हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन ठीक है एंड नॉन गवर्नमेंट होती हैं और ये बहुत काम किया है इन्होंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए एक बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था ठीक है ये भी चाइल्ड लेबर को था स्पेशल स्कूल्स बनाएंगे इवनिंग स्कूल्स इवनिंग स्कूल्स यानी अगर दिन को कोई बच्चा काम कर भी रहा है तो वो इवनिंग में आके स्कूल को अटेंड कर पाए यूनिसेफ का बहुत योगदान रहा है देखिए यूनिसेफ क्या होता है अगेन ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर ठीक है तो यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ठीक है तो यूनिसेफ जो है ये नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बना था 1953 में शायद पूरी तरह से ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एज एजेंसी काम करना शुरू कर गया था तो ये बेसिकली बनता ही बच्चों के लिए है चिल्ड्रन के लिए ठीक है बच्चों के राइट्स के लिए ये पूरी वर्ल्ड में काम करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद चाइल्ड फंड जो है ये एन हैं केयर इंडिया एन है जो बच्चों के चाइल्ड लेबर के लिए लड़ती है ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहती थी दैट इज़ कैलाश सत्यार्थी का आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा कैलाश सत्यार्थी जो है इनको दो में नोबल प्राइज़ मिला था और इनकी फाउंडेशन का नाम है के एस चिल्ड्रन फाउंडेशन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन तो कैलाश सत्यार्थी जो है आप इन्हें गूगल करके एक बार इनका फोटो देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछा भी जा सकता है चाइल्ड लेबर को एंड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया के अंदर तो इस टाइम भी इनकी फाउंडेशंस काम कर रही हैं और दो 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है ठीक है उसके बाद आप देखते हैं कि पेंसिल पोर्टल करके एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है अंडर बनाया गया और यह भी चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है ठीक है अगेन लास्ट पे हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कन्वेंशन नंबर वन एटी टू याद कर लेना आपको कन्वेंशन नंबर वन एटी टू वन एटी टू क्या है बेसिकली ये कन्वेंशन है जो आई के द्वारा लाई गई आई मैं बता चुकी हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन में बना था और ये लीग ऑफ नेशंस के अंडर काम करता है आ, करता था बाद में ये यूएनओ की एजेंसी बन गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है लेबर ऑफ वर्ल्ड के साथ डील करता है ठीक है तो वन एट्टी टू कन्वेंशन के अंडर जो है यहाँ पे जो है इन्होंने कन्वेंशन लाई है और उसमें बोला गया वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ठीक है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब कन्वेंशन लाई गई और इसमें एक्सप्लेन किया गया कि चाइल्ड लेबर क्या है क्योंकि आई तो डील ही करता है ना लेबर के साथ तो ये फिर चाइल्ड लेबर को भी एक्सप्लेन करते हैं उन उसके रिलेटेड भी डाटा लेके कर आते ठीक है चाइल्ड लेबर को एक्सप्लेन किया गया तो आई ने अगेन चाइल्ड लेबर के बारे में क्या कहा हमने एक्चुअली आई को पढ़ा था चाइल्ड uh, अब्यूज में तो ये चाइल्ड लेबर के बारे में भी उन्होंने जो कन्वेंशन लाई थी वो वन थी आपको इस कन्वेंशन का नाम याद रखना है कन्वेंशन वन किसने लाई आई ने आई क्या है यू की स्पेशल एजेंसी है ठीक है इसने क्या कहा कि चाइल्ड लेबर क्या है इन्होंने कहा कोई भी काम जो बच्चे की आ, उसका उससे उसका चाइल्डहुड छीन लेता है उसका पोटेंशियल छीन लेता है उसकी डिग्निटी छीन लेता है और उसको फिज़िकली और मेंटल हार्म देता है तो वो चाइल्ड लेबर है ठीक है चाइल्ड लेबर क्या है जो बच्चे से चाइल्ड हुड्स डिप्राइव हो जाए वो उसका पोटेंशियल ख़त्म हो जाए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए फिजिकल और मेंटल उसका डिवेलपमेंट ना हो पाए तो वो चाइल्ड लेबर है या ये आई एल लो कहते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है दैट इज़ एस डी जी एट पॉइंट सेवन टारगेट ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये मैं आपको करवा रही हूँ ताकि ये ना हो कि इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ठीक है तो एस डी जी एट पॉइंट सेवन क्या है एस डी जी अगेन क्या होता है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ठीक है uh, जिनको नहीं पता सस्टेनेबल uh, डिलपमेंट गोल्स ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे आ, साइल सर का ही लेक्चर है शायद आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके इसको और डिटेल में पढ़ लीजिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली हमने कुछ गोल्स बनाए थे ट्वेंटी थर्टी तक कि ये गोल्स हमें कंप्लीट करने हैं उसमें एट पॉइंट सेवन जो है वो डील करता है चाइल्ड लेबर के साथ फोर्स लेबर के साथ ट्रैफिकिंग तो उसमें चाइल्ड लेबर भी इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है दैट इज एट ठीक है उसके बाद यूनाइटेड नेशन जर्नल जनरल असेंबली क्या है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है ठीक है 2021 को बोला गया एज ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर 2021 को डिक्लेयर कर दिया गया कि ऐसा साल है जिसमें हम चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे या किया ठीक है 2021 जनरल असेंबली ने बोला ठीक है ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको चाइल्ड लेबर पे करवा दिया देखिए इस तरह से आपका जो चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक है और चाइल्ड लेबर का मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको चाइल्ड लेबर में आपने मेन मेन तो पढ़ना है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए वो है ये एक्ट मैं आपको मेन हाईलाइट करवा देती हूँ ये एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इसकी डेट याद रखनी है ठीक है उसके बाद इम्पॉटेंट चीज़ है ये पॉलिसी आपको इसकी भी डेट टिप्स पे होनी चाहिए उसके बाद है चाइल्ड लेबर डे आपको ये डेट भी टिप पे होनी चाहिए उसके बाद ये वाला तो चलो आर्टिकल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ये आपने बार बार पढ़ा है आपको याद रहेगा उसके बाद जो है आपने यूनिसेफ याद रखना है क्योंकि ये भी बच्चों के साथ डील करता है तो इसका डेट वगैरह आपको याद होनी चाहिए कैलास हथियार्थी का नाम याद रखना है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन नंबर वन आपको ये कन्वेंशन याद रखनी है किसके द्वारा लाएगी आई एल के द्वारा लाएगी ठीक है Uh, उसके बाद एस डी जी गोल्ड एट पॉइंट सेवन चाइल्ड लेबर तो ये कुछ थे uh, जो फैक्ट्स हैं इस टॉपिक के रिलेटेड ठीक है चलिए आगे हम ड्रग एडिक्शन का स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल हो गया तो मैं इसको थोड़ा जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी देखिए ड्रग एडिक्शन क्या होता है ड्रग बेसिकली क्या होता है ड्रग बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारी कॉमन लैंग्वेज में ड्रग होता है कोकीन हेरोइन ये वो नहीं ड्रग बेसिकली एक नॉर्मल मेडिसिन को भी बोला जाता है ठीक है ड्रग मेडिसिन को भी बोला जाता है जो हम दवाई खाते हैं उसको हम ड्रग भी बोल सकते हैं ठीक है तो लेकिन देखिए एक आ, एक आ, एक लेवल तक जो प्रिस्क्राइब्ड है ना प्रिस्क्राइब्ड यानी अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक गोली खा के सोना है अगर आप चार गोली खा के सो रहे हैं तो वहाँ पे वो जो ड्रग है ना वो आपका एडिक्शन बन जाता है ठीक है देखिए ड्रग में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है कई बार जो ड्रग्स होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं ठीक है थीके? हम उनको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन उसी ड्रग का अगर आप ओवर करना शुरू कर दो तो वो फिर ड्रग एडिक्शन बन जाता है ठीक है एडिक्शन बन जाता है और बेसिकली कुछ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स यानी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी ब्रेन को न, ब्रेन को को ना एक्टिविटी हैम्पर करते हैं ठीक है ब्रेन एक्टिविटी हैम्पर करने का मतलब क्या है कि या तो उसको तेज़ कर देंगे बढ़ा देंगे या कम कर देंगे या कुछ ला देंगे तो ऐसे ड्रग्स जो ये खतरनाक होते हैं आमतौर पर हम को ड्रग्स जिन्हें करे यानी आपको जल्दी नींद आ जाए या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड को एक्टिव कर दे तो उनको हम ड्रग्स की कैटेगरी में डालते हैं जो हमारे लिए एडिक्शन कॉज कर सकते हैं ठीक है वही है अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं तो ड्रग एडिक्शन का मतलब है यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स एक्सेसिव डोसेज याद रखना है आपने अगर आप मिनिमम डोसेज में प्रिस्क्राइब तरीके से ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो वो एडिक्शन बन जाएगा और उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ स्पे, स्पेसिफिक केमिकल्स फॉर प्लेजर ठीक है अगर आपको नींद नहीं आ रही है आपने एक गोली डॉक्टर ने बोली लेकिन आपको मज़े के लिए आप दिन में भी चार चार गोलियां लेके सो रहे हैं तो प्लेजर के लिए आप ये कर रहे हैं तो ये जो है ये ड्रग एडिक्शन बन जाएगा ठीक है देखिए इसमें टाइप्स ऑफ सबस्ट वर्ड है ड्रग के अंदर इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं इसमें अल्कोहल आती है आपको अल्कोहल तो आप सबको पता है तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है इन दोनों के नाम ठीक है इंडिया में क्या है इंडिया में जो है कैनबीज़ और ओपियम बहुत कॉमन है केनोबीज़ और ओपियम जो है वो आ, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है कैनोबीज़ जो है हेम प्लांट से निकलता है जिसको हम कहते हैं ना भंग कहते हैं ठीक है लस्सी वगैरह में डाल के इसको कभी पिया जाता है और ओपियम होता है पॉपी प्लांट होता है कुछ इस तरीके का पॉपी प्लांट होता है तो ये अफ़गानिस्तान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है तो ओपियम जो है अः मुझे पता नहीं है इसका से नाम क्या है नॉर्मल तो ओपियम जो और कैनबिस जो है ये कॉमन है आपको इन दोनों के प्लांट्स याद रखने हैं कैनबिस का हेम्प है, प्लांट है और ओपियम का पॉपी प्लांट है ठीक है सीडेटिवस होते हैं जो आपको सुला दें ठीक है इन्हीलेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ सोंग कर जो आप ना मतलब नशा करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना कई बार मुझे याद है वो वाइटनर का कुछ वो एक फ्लूड हुआ करता था तो आप उससे वो इन्हीलेंट करके वो लोग उससे नशा किया करते थे तो कोकीन भी है इसमें हैलो हेलोसिनेजन्स का हेलोसिनेशन हेलोसीजन्स है, होते हैं जो आपको हेलोसिनेट कर देना आप हेलोसिनेशन आपने देखा होगा आपके दिमाग को सुला देते हैं ठीक है तो ये कुछ हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको इस कैटेगरी में डाला गया है इसमें आपको दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ कैनबियस और ओपियम ओके okay. चलिए देखते हैं इसके काज़ क्या हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन के काज़ेज़ फैमिली हिस्ट्री भी हुआ करती है कई बार अगर आपके घर के अंदर कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो आप देखते देखते भी ले सकते हैं इसको फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी अगर आप किसी ट्रामा का शिकार हैं ठीक है और अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दे भी दी तो आप ओवर करने लग गए ठीक है पीर प्रेशर ये तो सबसे ज़्यादा वो होता है पीर प्रेशर का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं अपने दोस्त अगर आपके कुछ इस तरह की चीजें ले रहे हैं या कर रहे हैं तो आप उनको देखते देखते भी ना फॉर द सेक ऑफ आपको मजा लेना है या फिर आपको जो है वो एक एक्साइटमेंट के उसमें भी जो है ये इस तरह के काम हो जाते हैं ठीक है अर्ली यूज़ यानी कई बार हम क्या करते हैं अपनी टीन्स में जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं लेकिन बाद में अगर हम चाहते भी हैं इसको एंड करना तो वह एंड नहीं हो पाता ठीक है लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट ठीक है फैमिली सपोर्ट यानी जो इस तरह का इंसान होता है जो एडिक्शन जिसको हो जाती है उसको फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है डॉक्टर्स की सपोर्ट या फिर मोर और लेस कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब ऐसे लोग को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है डॉक्टर्स का इतना मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती है तो वह एडिक्शन जो है 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 बढ़ती जाती ठीक अब देखिए इसका इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं हार्ट अटैक इसका इफेक्ट है आ, हमारे पे हम डेथ रेट भी देखते हैं कई बार ओवरडोज से जो है डेथ हो जाती है बेसिकली ये जो इस तरह के सब होते हैं ये आपका बीपी बहुत रेज कर देते हैं या कभी कभी कम कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होता है कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है कभी कम होता है उससे हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है लंग हैं कैंसर है एड्स है हेपेटाइटिस है देखिए ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं एडिक्शन के बाद वो वो उसका मेन कारण ये होता है कि इंसान जो वो इंसान है वो फिज़िकली बहुत वीक हो जाता है ठीक है यानी फिज़िकली वीक होना यानी हड्डियाँ बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं उन सब चांसेस को ले लेके बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है अम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, हो जाती है तो जब आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो जाती है आपका ब्रेन सेल्स जो हैं डेड होने लग जाते हैं उससे कोई भी डिजीज़ जो है वो आसानी से आप पे वी हो जाती है देखिए ये तो हो गया कि इंडिविजुअल लेवल पे बंदे को क्या क्या हो सकता है देखिए एक है सोशल uh, लेवल पे क्या होता है सोशल लेवल पे देखिए सोसाइटी में ऐसे एडिक्ट का क्या होगा सोसाइटी में देखिए सोसाइटी में सबसे पहली प्रॉब्लम तो घर वालों को ही जो मैंने यहाँ मेंशन किया दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करके कभी घर आते हैं या फिर कभी वो एडिक्शन में रहते हैं तो वो अपनी बीवियों को ही सबसे पहले मारते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखते हैं कि बढ़ जाता है ठीक है उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो है रेप के केसेस बढ़ते हुए दिखते हैं हमें उसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहता है एजुकेशन इम्पैक्ट होती है सोसाइटी में डिसिप्लिन इम्पैक्ट होता है और हम देखते हैं कि सोसाइटी में एक जो यंग जनरेशन है उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है ठीक है तो सोशल इसके बहुत ज्यादा बुरे इंपैक्ट्स भी हैं ठीक है तो इसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली असेंबली अगेन जनरल क्या है एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेवन डिसंबर नाइनटीन किया दैट इज इंटरनेशनल ड्रग डे क्योंकि इनको लगा कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है एक्सेसिव यूज हो गया है तो इंटरनेशनल नेशनल ड्रग डे जो है वो ट्वेंटी सिक्स जून अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेट्स uh, दिन जो आपके सामने आ रहे हैं चाहे कोई भी दिन हो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो इंटरनेशनल ड्रग डे का वो होता है ट्वेंटी सिक्स जून को होता है ठीक है अब हम फटाफट से देखते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी सरकार ने लजिस्लेटिव मेजर्स क्या लाई हैं ठीक है ड्रग एडिक्शन जो है इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है ठीक है बहुत ज़्यादा है तो इसमें मैं आपको आ, पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि इंडिया के अंदर ये इतना प्रॉब्लम क्यों है ठीक है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है देखिए सबसे पहले जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2022 में आई इसने बोला इंडिया का फोर्थ रैंक है इंडिया में इतनी कंजम्पशन होती है ड्रग्स की तो ये हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत बुरा है हमारा जो इंडिया का पोटेंशियल है यंग जनरेशन का वो ख़त्म होता जा रहा है ठीक है तो हम देखते हैं कि ये फोर्थ रैंक पे जब इंडिया आया तो हमने देखा कि कॉजेज़ क्या क्या हैं जो जिसमें इंडिया में इतनी ज़्यादा ड्रग कंजम्पशन है देखिए दो टर्म्स जो हैं आपके सामने आ, मैं लेके आई हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रग की जहाँ बात होती है एक का है गोल्डन क्रिसेंट एक है गोल्डन ट्रायंगल ठीक है देखिए गोल्डन क्रिसेंट का मतलब क्या है कि गोल्डन क्रिसेंट यहाँ ईरान है यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान है तो ये इस तरीके से ना ये क्रिसेंट गोल्ड मून, मून क्रिसेंट होता है चांद या आधा चांद होता है इसको बोलते हैं क्रिसेंट तो ये चांद बनता है ठीक है ये जो एरिया है ईरान का पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ओपियम की ठीक है ओपीएम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है अब हमारा इंडिया यहाँ पे है ठीक है ये हमारा इंडिया आप ऐसे मैं आपको नीचे मैप भी दिखाऊँगी और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे म्यांमार है ठीक है और यहाँ पे जो है लाउस है और यहाँ पे जो है थाईलैंड है ठीक है तो ये इस तरह से ना एक ट्राइंगल बनता है ठीक है ये ट्राइंगल बनता है ये म्यांमर है ये लाउस है और ये थाईलैंड है मैं ऐसे रफ सा बना रही हूँ तो यह, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन होती है ओ की ओपीएम की या बाकी ड्रग्स की तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बीच में फंस गया है यहाँ पर क्रिसेंट है यहाँ पर चांद है और यहाँ पर ट्राइंगल है इंडिया बीच में है जब इंडिया बीच में है तो ये ट्रैफिकिंग जब होती है यहाँ से वहाँ सामान जाता है यहाँ से वहाँ ड्रग्स सप्लाई होते हैं तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इसलिए इंडिया के अंदर कंजप्शन और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन तो कम कम ही है लेकिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए इंडिया का मेन कारण ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया जो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में है आपको ये कंट्रीज याद रखनी है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है गोल्डन क्रिसेंट है उसमें क्या है ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइंगल में थाईलैंड लाउस और म्यांमार ये मैं आपके सामने मैप लेके आई हूँ ये हमारा भारत है ठीक है ये हमारा इंडिया है आ, दिस इज़ इंडिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये आ गया हमारे पास चांद चांद में कौन है ईरान है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में ठीक है अब ये बॉर्डर है इंडिया का तो यहाँ से जो है यहाँ पे अफगानिस्तान से भी कभी सप्लाई होती है कभी पाकिस्तान से भी होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है वैसे ही यहाँ पर म्यांमार है ठीक है और यहाँ पे फिर लाउस आ जाता है यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है तो ये ट्रायंगल बनाता है और ये बॉर्डर है इंडिया का तो यहाँ से भी जो है जो है ट्रैफिकिंग होती है तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजपशन हमें देखने को मिलती है ठीक है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ठीक है अब हम देखते हैं कि इंडिया ने लेजिस्लिव मेजर्स कौन कौन से लाए इस चीज़ को कम करने के लिए सबसे पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है नाइनटीन फोटी में नाइनटीन फोटीज़ में, में ही आ गया था ये या आपको डेट याद रखनी है फिर कहते हैं कि नॉर्कोटिक ड्रग्स एंड साइको साइको सब्सटेंस एक्ट ठीक है नारकोटिक ड्रग एन डी एक्ट जिसको हम बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट आपने सुना होगा तो नारकोटिक ड्रग्स जो है ये आया कब है 1985 में ठीक है आपको डेट याद रखनी है यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया गया इन ड्रग्स को बैन किया गया इनकी कंजम्पशन को या फिर इनके लेन देन को ट्रेड को बैन कर दिया गया ठीक है उसके बाद कहते हैं प्रिवेंशन आ, प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग यानी मतलब ड्रग को जो है मतलब चोरी तरीके से ट्रेड करना नॉर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटांसिस को एन यानी पिट पीट हो गया प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड पिट एन डी पी एस नाइनटीन एटी एट ठीक है नाइनटीन एटी एट में लाया गया ठीक है आपको डेट्स याद रखनी है इसमें मैं आपको जैसे मैं छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको ना नींद की गोली डॉक्टर ने लिखी है आप मेडिकल जो है शॉप पर जाते हैं आप में से बहुत लोगों ने देखा है कि मेडिकल शॉप पर जाते ही हमें वो वाला जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो हमको ऐसे दवाई नहीं देता जो खासकर जो साइकेट्रिस्ट ने लिखी होती है नींद की गोली है स्लीपिंग uh, पिल है तो हमें ऐसी नहीं मिलती वो कहते प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ प्रिस्क्रिप्शन ले यानी डॉक्टर ने जो लिखा है डॉक्टर का साइन है वो दिखाओ क्यों क्योंकि मेडिकल शॉप वाला ऐसे ही नहीं बेच सकता ठीक है क्योंकि ऐसे ही लोग जो है स्लीपिंग पिल को एक तरह का नशा करते हैं तो वो ऐसे ही जाके बहुत सारी लेके वो नशा करना शुरू कर देते हैं अगर है तो वो डॉक्टर वो बता दे कि डॉक्टर की हम मुझे बताओ प्रिस्क्रिप्शन बताओ तो ये छोटी सी एग्जाम्पल है इस तरीके से एनडीपीएस एक्ट के द्वारा इस तरह का सब्सटेंस अगर मिलता है किसी के पास कोकीन मिलती है ओपियम मिलता है या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनको सज़ा होती है और ट्रैफिकिंग भी बैन है 1985 में एक्ट आया और 1988 में इसकी ट्रैफिकिंग पे बहुत सख्त जो है एक तरह का बुलाया गया ठीक है उसके बाद हम देखते हैं निदान और नारकॉट पोर्टल्स हैं ये जो पोर्टल्स हैं निदान नाम याद रखना आपको एंड कॉड जो है पोर्टल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है जिन लोगों को पकड़ा गया उनकी भी इन्फॉर्मेशन है पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा रिकॉर्ड यहाँ होता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंपेन स्टार्ट की गई थी जो है इस कंपेन का नाम क्या है शायद 2011-12 में ये कंपेन हुई है आप डेट देख लीजिए एक बार तो डेट है नशा मुक्त भारत ठीक है नशा मुक्त भारत एक कंपेन स्टार्ट की गई थी गाँव के अंदर स्कूल्स में कॉलेज में अ, अर्बन एरियाज में तो नशा मुक्त भारत में हमें जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की गई यानी जो स्पोर्ट कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए जो खासकर हमारे लड़के हैं यंग जनरेशन हैं वो ड्रग कंज्यूम ना करें उस तरह की चीज़ों में ना पड़ें तो वो स्पोर्ट जैसी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर दें या बाकी एज, एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ा दिया गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में उनको बिज़ी रखने की बात की की बात गई वो नशे की तरफ ना ठीक है तो नशा मुक्त भारत इसमें बहुत सारे जो है सेंटर्स बनाए गए अगर कोई एडिक्ट है भी तो उनको सेंटर में जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वो बनाए बनाए जाते हैं और वहां पे उनका प्रॉपर तरह से इलाज होता है ठीक है ये हो गया आपका ड्रग एडिक्शन का टॉपिक और मुझे मेरे ख्याल से ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया तो हम देखते हैं कि एक सेकेंड ठीक है देखिए चाइल्ड अब्यूज़ हमने कवर कर लिया है चाइल्ड लेबर भी कर लिया और ड्रग एडिक्शन भी कर लिया है चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए फ़ीमेल फी, ये जो वुमेन प्रॉब्लम है दोनों की तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करती हूँ इट विल बी अ लेक्चर ऑफ अराउंड ट्वेंटी मिनट्स आई थिंक ट्वेंटी छोटा टॉपिक है ये चलो हम अगले लेक्चर में इसमें कवर कर लेते हैं तो देखिए ये इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये दस मार्क्स का चैप्टर है और मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं मैंने कोशिश की है कि आ, हर तरह का मटेरियल उसमें डाला जाए मैं अभी भी कोशिश करूँगी कोई भी चीज़ जो हमारी छूटी है वी विल कम अप विद एम सीरीज़ तो हम उसमें कवर कर लेंगे ठीक है तो बहुत से बच्चे जो हैं हम एम सी सीरीज़ की बात कर रहे थे अगेन ये चैप्टर्स कम्प्लीट हो जाए बिकॉज अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है अभी आप आ, जो है अपने सिलेबस पढ़ लीजिए फोकस कर लीजिए इस पर ज़्यादा तो एक बार थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाए सिक्स यूनिट जो है आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे उस पर लेक्चर्स लाने के लिए वो लेक्चर्स ऑलरेडी सिक्स यूनिट के जो साइल सर का है उनमें क्लासेस ली हुई हैं आप जाके उन्हें देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं तो मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगी ठीक है तो इस तरह से आप ये पूरा जो पुराने लेक्चर्स हैं आप इसे देख सकते हैं उस यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए और आई एम श्योर कि आपका ये दस मार्क का जो यूनिट है ये यहाँ से सिक्योर हो जाएगा आई हैड हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक है तो ये जो फिर ये वाला टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर करवा देती हूँ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट थैंक यू स्टूडेंट्स